जो स्क्रीन पे आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं किड्स टॉक रस्क। देखिए आज हमारी बच्चों की समस्याएं काफी हैं, और ये समस्याएं ऐसा नहीं कि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तभी शुरू होती है, नहीं, ये बात सही नहीं है। बच्चे जब मदर के पेट में रहते हैं तो अगर मदर को सही से पोषण नहीं दिया गया है तो फिर वो बच्चों का सही विकास नहीं होता, चाहे उनका मानसिक हो चाहे शरीर का विकास हो, काफी कुछ होता है। अब बच्चे पैदा होने के बाद जो सबसे जरूरी पार्ट होता है उनका ये ब्रेन, क्योंकि अगर बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा तो बोलने में भी दिक्कत है, सुनने में भी दिक्कत है, सोचने समझने की तो दिक्कत रहनी है, पढ़ाई में आगे जाके दिक्कत होनी है। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट बड़ा जरूरी होता है, और ये कैसे होगा, ये चॉकलेट खा के तो बिल्कुल नहीं होगा। तो किड्स टॉक में हमने ब्राह्मी और शंखपुष्पी डाला हुआ है, और ब्राह्मी और शंखपुष्पी जड़ी बूटियां होती हैं जो बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाती है। तो आप ये मत सोचिए कि ब्रेन का विकास खाली पढ़ाई तक ही सीमित है, नहीं नहीं हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ मैं आपकी बातें सुन पाऊंगा, ये सुनने और बोलने तक में भी ब्रेन का ही रोल होता है। हमारा गला जरूरी है, कान जरूरी है, ये तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है, सिग्नल तो जाने का ही हिस्सा है, लेकिन सारा आउटपुट तो ब्रेन से ही आना है। तो अगर ये डेवलप नहीं तो आधा बच्चे तो बोल भी नहीं पाते कितनी उम्र तक, कि ये आउट इंटरप्रेट नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे का तो विकास दिख ही नहीं रहा है, वो तो उसका तो ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, वो तो कमजोर ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई खाने के लिए आप खिला जरूर रहे होगे जबरदस्ती, लेकिन उसका तो मन नहीं था। और हमारे खाना खिलाने के बाद भी शरीर की जो पाचन क्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो गड़बड़ रहेगा तो आप जितना मर्जी खिला लो कोई फर्क ही नहीं पड़ना भाई, शरीर का विकास ही नहीं होगा। तीसरी बात होती है कि आए दिन बच्चों को देखिए सर्दी जुकाम बढ़ा रहता है, खांसी, नाक बह रहा है एकदम से, क्यों बह रहा है? कफ कंट्रोल है उनका। तो हमने इन सभी मेन मेन चीजों पे ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को बना दिया है, और किड्स टॉक रस हर बच्चों की आवश्यकता पड़ती है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए आप 5 ml प्रयोग कर सकते हैं, 5 से 10 साल के लिए 10 ml होगा। कुछ लोग तो 11-12 साल की उम्र तक भी देते हैं, बट ठीक है 10 ml तक जनरली इसका डोज लेना सही होता है। और आप किसी भी उम्र में आराम दीजिए, किसी बच्चों को दीजिए, कोई समस्या है तो ठीक है, नहीं है तो दीजिए, आराम से दीजिए, आप खुद लेके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये किड्स टॉक होता है। दिस इज डन, आगे